Assalamu alaikum dear students. In this video we will discuss international relations CSS past paper 2019 aur part 2 mein hamara first question hai discuss the significant features of the treaty of westphalia in the development of the modern nation state system. Westphalia ka muahida aur jadid qaumi riyasti nizam ki tarakki. So the treaty of westphalia is a landmark event in the history of international relations and state formation signed in 1648. It ended the 30 years war in the holy roman empire in the 80 years war between Spain and Dutch Republic. So this date is often credited with laying the foundation for modern nation state system. So Westphalia ka muahida jo hai wo bain al-aqwami taluqaat mein aur riyasti jo tashkeel ki tareekh hai isme kaafi ek aham sange mil ki haisiyat rakhta hai aur 1648 mein dastakhat kiye gaye is muahide ne jo muqaddas Roman Sultanate thi usme 30 saala jang aur Spain aur Dutch Jamhooriya ke darmiyan jo hai wo 80 साल की जंग का खात्मा किया था जो कि जंग उनके दरमियान 80 साल से मौजूद थी और यह मुआहदा जो है वो जदीद कौमी रियासी निज़ाम की बुनियाद रखने की यानी कि सबब जो है वो इसको समझा जाता है. सो सिग्निफिकेंट क्या है इस मुआहदे के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे. तो ये जंग जो है मुकद्दस रोमन सल्तनत के अंदर जो है वो लड़ी जाने वाली मुख्तलिफ तनाज़ात का की जंग है और मुख्तलिफ तनाज़ात का सिलसिला था जिसमें यूरोप की जो मुख्तलिफ ताकतें थी उन्होंने हिस्सा लिया था. इस जंग की बुनियाद जो थी वो मजहबी सियासी और इलाकाई तनाज़ात के ऊपर थी. देन 80 ईयर्स वार तो 80 साल की जो जंग थी ये स्पेन और डच जंबोरिया के दरमियान इलाकों पर कंट्रोल और आज़ादी की जंग थी. देन की प्रोविजन इसमें जो सालमियत है खुद मुख्तारी है यानी इस मुआहदे ने खुद मुख्तारी के असूलों को प्रिंसिपल्स को तस्लीम किया था. तो इसका मतलब है कि हर रियासत अपने इलाके के अंदर जो है वो मुकम्मल इख्तियार रखती है और इसे बिरौनी मदाखला से आज़ादी हासिल है और ये जो है जागीरदाराना और साथ साथ जो मजहबी असरा से भरा हुआ जो सियासी निज़ाम है इससे एक अहम तब्दीली थी. देन टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स तो इसमें मुआहदे की जो कई इलाके के अंदर इस मुआहदे ने तब्दीलियाँ की थी और इस जैसे स्पेन से डच जमहूरिया की आज़ादी को तस्लीम करना फिर जो होली रोमन सल्तनत है उसके अंदर सरहदों को एडजस्ट करना उसके एडजस्टमेंट देन रिलीजियस टॉलरेशन इस मुआहदे ने जो है वो जो होली रोमन यानी सल्तनत है उसके अंदर मजहबी जो है रवादारी है उसको बढ़ाया और इसके इसके साथ साथ जो हुक्मरानों को अपने इलाकों का मजहब मुंतखब करने की इजाज़त दी गई मजहबी अकलीतों को भी इसके अंदर कुछ हकूक दिए गए थे. देन डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस दैट इट एस्टैब्लिशमेंट न्यू नॉर्म्स फॉर डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नेगोशिएशंस एंड फॉर्मल ट्रीटीज इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स. तो इस मुआहदे ने सफारतकारी और बैन अक्वामी तालुकात के जो है वो नए असूल बनाए थे जिसमें मुज़ाकरात और इसके साथ साथ रस्मी मुआहदों के जरिए तनाज़ात को हल करने की अहमियत के ऊपर जोर दिया गया था. देन इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न नेशन सिस्टम इमरजेंस ऑफ नेशन सिस्टम नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट. तो कौमी रियासत का जो तस्वर है वो वेस्टफेलिया का मुआहदा अक्सर जदीद कौमी रियासती निज़ाम के आगाज के तौर पर उसको हम समझ सकते हैं और ये मुआहदा इसे जदीद कौमी रियासी निज़ाम के जिनके आगाज के तौर पर समझा जाता है और एक कौमी जो रियासत एक सियासी इकाई है जिसकी मखसूस सरहदें जो है वो मुस्तकिल आबादी हुकूमत और बाकी जो दीगर रियासतें हैं इनके साथ तअल्लुकात कायम करने की सलाहियत होती है और इसके साथ साथ जो इसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत है यानी इस मुआहदे ने रियासी खुद मुख्तारी के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया और यानी कि जो रियासतों को तस्लीम किया गया कि वो अपनी हदूद के अंदर मुकम्मल इख्तियार रखती हैं उनके अंदरूनी मामलों में जो है वो बैरूनी तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी. देन पॉलिटिकल एंड लीगल डेवलपमेंट्स लीगल फ्रेमवर्क हम देखेंगे यानी वेस्टफेलिया मुआहदे में वज़ह किया गया यानी कि ये असूल मुतय्यन किए गए थे कि असूल जो है वो बैन अक्वामी कानून निज़ाम की बुनियाद बन गए थे और इसमें यह तसव्वुर शामिल था कि रियासतें बैन अक्वामी कानून के तहत इक्वल हैं और जो बैन अक्वामी यानी कि इसके अंदरूनी मामलात हैं उसमें जो है वो बैन अक्वामी तरीके से कोई मदाखलत नहीं की जाएगी. देन डिप्लोमेटिक रिलेशन तो इस मुआहदे ने यह मिसाल कायम की थी कि रियासतें एक दूसरे के साथ कैसे जो है वो कोऑपरेट करती हैं और इसके ऊपर बात के ऊपर जोर दिया गया कि सफारतकारी जो रस्मी मुआहदे हैं वो किस तरह से होंगे इसे की अहमियत को देखा गया जो जदीद सफारत असूलों की को डेवलप के अंदर भी डेवलपमेंट के अंदर भी इसकी वजह बने. देन चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस तो कुछ चैलेंजेस भी थे इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी थी यानी कि इस मुआहदे के हवाले से जो इख्तियारात की तकसीम है यानी कुछ जो वेस्टफेलिया मुआहदा था वो रियासती खुद मुख्तारी के कॉन्सेप्ट को उसने प्रमोट किया था लेकिन जो इसने जो होली रोमन सल्तनत के अंदर जो है एक सियासी मंजरनामे के अंदर जो है वो तकसीम पैदा कर दी थी और इससे कई छोटी रियासतों को ख़ास तौर पर यानी कि जो है खुद मुख्तारी हासिल हो गई थी. इसके अलावा जो गैर यूरोपीय ताकत हैं वो उनका एक्सक्लूजन हुआ. ये मुआहदा जो है वो
بنیادی طور کے اوپر یورپی طاقتوں کے درمیان تھا اور اس نے عالمی طاقت کے توازن کو شامل نہیں کیا جو بعد میں یورپی جو اس کے اندر ہے یعنی کہ نو آبادیاتی نظام تھا یعنی یورپین کالونیل امپائر تو اس سلطنت کی جو تصحیح ہے اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ معاہدہ زیادہ اہم ہو گیا تھا دین لیگیسی اینڈ ماڈرن امپلیکیشن انفلوئنس آن انٹرنیشنل ریلیشنز فاؤنڈیشن آف دی اسٹیٹ سسٹم تو ریاستی نظام کی جو بنیاد ہے وہ ویسٹفیلیا کا معاہدہ جدید بین الاقوامی ریاستی نظام کی بنیاد سمجھا جاتا ہے اور اس کی جو یعنی کہ خود مختاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے یہ اس معاہدے کے اندر اس کی اہمیت کے اوپر زور دیا گیا ہے جو آج کے بین الاقوامی قانون اور ساتھ ساتھ اقوام متحدہ جیسے اداروں کا بھی حصہ ہیں اور اس کے اندر یعنی کہ جو ویسٹ یعنی فلیا کا معاہدہ تھا اس میں جو بین الاقوامی ریاستی نظام تھا اس کو بہتر طریقے سے دیکھا گیا اور بین الاقوامی تعلقات اور ریاستی جو طرز عمل ہے اس کو یعنی کہ جو متاثر کرتا ہے اور دین ماڈرن انٹرنیشنل لا ہے یعنی خود مختاری اور جو عدم مداخلت کے اصول ہیں ویسٹ فلیا کے معاہدے سے ابھرے تھے اور اس کے اندر یعنی کہ نیشنز آرگنائزیشنز اور یونائیٹڈ نیشنز بھی اس کے اندر انکلوڈ تھے دین کنٹینیوئنگ ریلیونس یعنی کہ جو اسٹیٹ سوورنٹی ہے اس کے اندر یعنی خود مختاری عدم مداخلت کے اصول ہیں اور جو ریاستی خود مختاری کا تصور ہے وہ آج بھی بین الاقوامی تعلقات کا ایک اہم پرنسپل ہے اور اس طرح سے یہ طے کرتا ہے کہ ریاستیں کس طرح سے تنازعات حل کرتی ہیں اور دوسرے کے ساتھ کس طرح سے تعاون کرتی ہیں دین ڈپلومیٹک نام یعنی اس معاہدے نے سفارتکاری اور مذاکرات کے اصولوں کو متعین کیا جو آج بھی انٹرنیشنل ریلیشنز اور تنازعات کے حل میں جو ہے وہ رہنمائی دیتے ہیں سو ویسٹ فلیا کا معاہدہ جو ہے وہ قومی ریاستی جو نظام تھا اس کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل تھا اس نے خود مختاری اور علاقائی سالمیت سفارتی مذاکرات کے جو یعنی کہ پرنسپل تھے ان کو ڈیولپ کیا اور جو آج کے انٹرنیشنل ریلیشنز کی بنیاد بھی ہیں اور اس طرح سے معاہدہ جی اپنے وقت کے جو مخصوص مسائل ہیں ان کے متعلق بھی تھا اور لیکن اس کی جو وراثت ہے وہ آج بھی جو ہے عالمی ریاستوں کیسے جن کے تعمل سے عمل کیسے احسان انداز ہوتی ہے اور اس کے حوالے کے جو فاؤنڈیشنل امپیکٹ بھی ہیں اس معاہدے میں ریاستی خود مختاری اور علاقائی حدود کے اوپر زور دینے نے یعنی جدید بین الاقوامی نظام کو تشکیل کے اندر بہت اہم کردار ادا کیا تھا سو نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے ڈسکس دی کانسیپٹ آف آئیڈیلزم ایکسپلین اٹس کور پرسیپشنز ڈیفائن ایجنڈا آف پیس فار دی سٹیبلٹی آف دی ورلڈ یعنی کہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اس میں آئیڈیالزم کا جو تصور ہے تو اس کے تعلقات میں جو ہے ایک یعنی کہ بین الاقوامی تعلقات کے اندر ایک آئیڈیالزم جو ہے ایک بنیادی یعنی کہ نقطہ نظر ہے تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو ہے جو بین الاقوامی سیاست کی تشکیل میں نظریات اور جو ویلیوز ہیں یا اخلاقی اصول ہیں ان کے کردار کے اوپر بھی کافی یعنی کہ زور دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئیڈیالسٹ ہیں بلیو دیٹ ہیومن نیچر از فنڈامنٹلی گڈ دیٹ انٹرنیشنل ریلیشنز شوڈ بی گائیڈڈ بائی ایتھیکل نارمز اینڈ کوآپریٹیو بیہیویئر یعنی کہ جو آئیڈیالسٹ ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسانی فطرت جو ہے وہ بنیادی طور پر اچھی ہے اور بین الاقوامی جو ریلیشنز ہیں ان کو اخلاقی اصولوں اور آپس کے تعلقات کے اوپر مبنی ہونا چاہیے اور اسی کے اوپر چلایا جانا چاہیے اب آئیڈیالزم کا کانسیپٹ کیا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو انٹرنیشنل یعنی کہ ریلیشنز ہیں یعنی بین الاقوامی تعلقات ہیں ان میں آئیڈیالزم کا مطلب یہ ہے کہ جو بین الاقوامی سیاست ہے اس کو صرف طاقت یا قومی مفاد کے بجائے اخلاقی اصولوں ویلیوز اور نظریات کی بنیاد کے اوپر چلایا جانا چاہیے یعنی اس کے اندر طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے دین فلسفیکل جو اس کے اندر روٹس ہے یعنی آئیڈیالزم کا نظریہ جو ہے وہ اس تصویر کے اوپر ہے کہ انسانی فطرت فطری طور پر اچھی ہے اور لوگ اور ریاستی اخلاقی اور جو منصفانہ نتائج ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ تعاون کریں دین اس کے کور پرنسپل کیا تھے جس میں مورل گائیڈنس ہے یعنی آئیڈیالسٹ اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں اور اس بات کے اوپر ایمفسائز کرتے ہیں کہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں ان کو وہ انصاف ہیومن رائٹس مساوات جیسے جو اخلاقی پرنسپلز ہیں ان کی بنیاد کے اوپر چلایا جانا چاہیے اور ان کے نزدیک جو ریاستی رویے ہیں جو بین الاقوامی پالیسیاں ہیں ان کو اخلاقی ویلیوز کے مطابق ہونا چاہیے سو کوآپریشن اوور کنفلکٹ یعنی آئیڈیلزم جو ہے وہ بین الاقوامی تعاون اور اس کے ساتھ ساتھ جو سفارتکاری یا ڈپلومیسی ہے اس کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے اور اسے تنازعات کو حل کرنے میں دنیا میں امن کے قیام کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے سو اٹ پوزیٹس دی اسٹیٹ کین ورک ٹوگیدر ٹو اوورکم ڈیفنسز اینڈ اچیو کامن گولز یعنی یہ تصور کرتا ہے کہ ریاستیں اختلافات کو ختم کرنے اور مشترکہ اہداف حاصل کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتی ہیں دین انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آئیڈیالسٹ ایڈوکیٹ فار دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ اسٹرینتھننگ آف دی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز اینڈ آرگنائزیشنز سچ ایز یونائیٹڈ نیشنز ٹو پروموٹ پیس سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن امنگ اسٹیٹس یہ آئیڈیالسٹ بین الاقوامی اداروں اور جو تنظیمیں ہیں جس طرح سے اقوام متحدہ ہے
इसकी तश्कील के अंदर मजबूती की हमायत करती है ताकि रियासतों के दरमियान अमन और सलामती है और जो तावन है इसको फरोग दिया जा सके, कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा सके। अब कोर परसेप्शंस क्या है आइडियलिज्म के, जिसमें ह्यूमन नेचर है और एथिक्स है, पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। तो इंसानी फितरत का जो है वो मस्बत रवैया है, आइडियलिज्म के बुनियादी तस्वरात में जो आइडियलिस्ट हैं वो इंसानी फितरत के बारे में जो है वो एक यानी कि अच्छा यकीन रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि और उस बार उनको यानी कि ये यकीन है कि जो लोग हैं वो बाहमी तामन और इसके साथ साथ जो यानी कि नेक नियति के काबिल हैं वो और उनके अंदर यानी कि तमाम वैल्यूज हैं जो अच्छी हैं, जो नुकता नज़र जो है वो ज़्यादा मायूस को नज़रिया से बड़ा यानी कि डिफरेंट भी है, जो इंसानी फितरत की बुनियाद के ऊपर जो सेल्फिशनेस है, खुद गर्जी है, इसके ऊपर जो मबनी यानी कि इसको समझा जाता है। सो एथिकल इम्पेरेटिव्स यानी आइडियलिज्म के मुताबिक जो बैन अक्वामी तालुकात में अखलाकी असूलों को तरजीह दी जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इकदाम और पॉलिसियाँ जो हैं वो उनके अखलाकी मियार के ऊपर जो है उनको यानी कि देखा जाता है, उनको परखा जाता है और ना कि सिर्फ एक एक इनके फायदे जो मौसरियत के लिहाज से यानी इन इकदाम को इन पॉलिसियों को अखलाकी मियार के ऊपर देखा जाए, इसकी अफादे जो मौसरियत के हवाले से ना देखा जाए कि किस तरीके से यानी मौसर हैं। देन इसका जो रोल अगर हम देखें यानी कि इंटरनेशनल लॉ और इंस्टीट्यूशंस का, तो जो कानून और इदारे हैं यानी कि इस मेडलिस्ट बैन अक्वामी कवानीन की तरक्की और इसके साथ साथ इसके इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करती है। सो इसके जो यानी कि इसके जो नफाज की हमायत भी करती है जो इंसानी हकूक को और इसके अंदर जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, मालियाती तहफ़ है, दीगर आलमी इकदार हैं उनको बरकरार भी रखते हैं। सो दे बिलीव द इंटरनेशनल लॉ कैन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन, यानी उनका मानना है कि जो बैन अक्वामी कानून है वो पुरमन बकाए बाहमी और तावन के लिए फ्रेमवर्क देते हैं। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आइडियलिज्म एम्फसाइज़ द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन फैसिलिटेटिंग डायलॉग, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड प्रमोटिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी। इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस आर सीन एज़ क्रूशियल फॉर फोस्टिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल चैलेंजेस। तो इसमें जो आइडियलिज्म है वो बैन अक्वामी तंजीमों के किरदार के ऊपर एम्फसाइज करता है, जो डायलॉग्स की सहूलत भी देती हैं, तनाजात को हल करती हैं, इज्तमाही सलामती को प्रमोट करती हैं, अक्वामी मुत्तहिदा जैसे इदारे हैं आलमी चैलेंजेस का सामना करते हैं, बैन अक्वामी तामन को फरोग देने में बहुत तो उनको अहम समझा जाता है। पीसफुल कन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, तो आइडियलिज्म तनाजात को यानी कि रोकने के ऊपर जोर देता है, जिसमें जो है इसके अंदर आइडियलिस्ट जो है वो सफारतकार मुकालमे को तनाजात के लिए जो बुनियादी यानी कि उसको एक टूल के तौर पर देखते हैं, वो यकीन रखते हैं कि पुरमन मजाकरात और समझौते जो है ताकत के इस्तेमाल से बेहतर हैं और इसमें जो है वो तामन और तनाजात की बुनियादी जो वजूहात हैं यानी कि उनको दूर किया जाता है। यानी जो आइडियलिज्म तनाजात हैं वो यानी आइडियलिज्म है वो तनाजात को रोक सकती है, इसमें मौशी हालात को बेहतर बनाने, इसके अलावा इंसानी हकूक को जो है वो फ़रोग देने में और जो तरक्की है उसकी हमायत करने की कोशिशें भी इसके अंदर शामिल हैं। सो आइडियलिज्म जो बैन अक्वामी तालुकात का एक ऐसा कॉन्सेप्ट देता है जो इखलाकी असूलों, कोऑपरेशन और इक्वल जो निज़ाम है या पुरमन दुनिया के हसूल हैं इसके ऊपर मबनी है, और इसके अलावा जो इखलाकी अकदार हैं, बैन अक्वामी इदारे हैं, उनका किरदार है पुरमन तनाजात के हल के ऊपर जोर देकर जो आइडियलिज्म है वो आलमी चैलेंज से निमटने में और स्टेबिलिटी को प्रमोट करने की कोशिश करता है। देन इसके अंदर जो कोर वैल्यूज हैं यानी आइडियलिज्म के जो बुनियादी तस्वरात हैं उनमें इंसानी फितरत के बारे में मस्बत नुक्ता नज़र है, बैन अक्वामी कानून और इदारों की अहमियत और इखलाकी रवैये और इसके हवाले से ये इसको तावन करते हैं। देन पीस एजेंडा यानी कि आइडियलिस्ट का जो अमन का एजेंडा है वो आलमी कोऑपरेशन को फरोग देने में, इंसानी हकूक को आगे बढ़ाने में, सफारती कोशों और तालीम के जरिए पुरमन दुनिया की तमीर के अंदर भी शामिल है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, एक्सप्लेन इट्स चेंजिंग डायमेंशंस एंड डिफाइन इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फॉर द नेशन स्टेट्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा यानी बाद हज़ार जो सर्द जंग है उसमें दौर में सिक्योरिटी का क्या तस्वर है। तो सिक्योरिटी जो है एक बड़ी तरक्की पजीर एक यानी कि कॉन्सेप्ट है, एक तस्वर है जो सर्द जंग के खात्मे के बाद वाज़ेह तौर पर तब्दील हुआ है और जो रवायती फौजी खतरात हैं उसके ऊपर तवज्जो देने के बजाय एक बड़ी और मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर तवज्जो दी जाती है बड़ी सतह के ऊपर। तो ये जो तब्दीली है वो आलमी खतरात के जो रेंज है उसको बदलने के और बैन अक्वामी तालुकात की जो कम्प्लेक्सेस हैं उनके बढ़ने को जाहिर करती हैं। सो हम इसको देखते हैं यानी कि अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कोल्ड वॉर फोकस। तो इसमें
جو سرد جنگ کا فوکس ہے، یعنی سرد جنگ کے دوران جو سیکیورٹی بنیاد کے اوپر فوجی اصطلاحات ہیں اس میں تعریف کی جاتی تھی کہ جو اہم تشویشات ہیں مین کے جوہری اس کے اندر، جو یعنی کہ جوہری جو ڈیٹرنس ہیں، ملٹری الائنسز ہیں، جس طرح نیٹو ہے یا وارس یا پیکٹ ہے، وارس معاہدہ ہے، اور ریاستی تنازعات ہیں وہ اس کے اندر شامل، اور باقی جو قومی دفاع یعنی سیکیورٹی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بیرونی فوجی خطرات سے قومی سرحدوں کو خود اور خود مختاری کی حفاظت کرنا ہوتا ہے. دین پوسٹ کولڈ وار شفٹ نیو تھریٹس، تو سرد جنگ کے خاتمے کے ساتھ سیکیورٹی کا جو دائرہ ہے وہ روایتی فوجی مسائل سے آگے بڑھ گیا ہے. تو نیو تھریٹس ایمرج انکلوڈنگ ٹیررزم، سائبر اٹیکس اینڈ انوائرمنٹل چیلنجز، یعنی اس میں جو دہشت گردی ہے، سائبر حملے ہیں، ماحولیاتی چیلنجز، اس طرح کے چیلنجز آ گئے ہیں. اب گلوبلائزیشن جو ہے وہ بڑھتی ہوئی جو یعنی کہ انٹر کوڈنس ہے یا عالمی سطح کے اوپر جو ایک آنگی ہے ڈائمینشن ہے، اس نے سیکیورٹی کو یعنی کہ اس کے اندر ایک نئی چیزوں کو متعارف کروایا ہے جو صرف فرد قوموں کو نہیں بلکہ بین الاقوامی جو یعنی کہ نیشنز ہیں ان کو متاثر کرتے ہیں. سو چینجنگ ڈائمینشنز آف دا سیکیورٹی، جس میں ملٹری سیکیورٹی آتی ہے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کنفلکٹ، یعنی ریاستی جو تنازعات ہیں اگرچہ ان کی اہمیت ابھی بھی برقرار ہے، لیکن جو روایتی فوجی خطرات سرد جنگ کے دور کی نسبت جو ہے وہ کم یعنی کہ ان کی حیثیت ہے. تو جو کنفلکٹس ہیں یعنی اسٹیٹس کے درمیان وہ جاری ہیں، اور اگر جو سیکیورٹی کے مسائل بھی اس کے ساتھ جڑے ہیں پھر بھی ان کے یہ کنفلکٹس جاری ہیں. دین نیوکلیئر پرولیفریشن میں ان کے جوہری ہتھیاروں کا جو پھیلا ہوا ہے اور جوہری دہشت گردی کے جو ممکن خطرات ہیں اس کے اوپر کبھی بھی کافی تشویش پائی جاتی ہے، لیکن بین الاقوامی جو کوششیں ہیں وہ غیر پھیلاؤ یا جو تخفیف اسلحہ ہے اس کے اوپر فوکس کر رہی ہیں. دین ہیومن سیکیورٹی فوکس آن انڈیویجولس، تو اس میں جو انسانی سیکیورٹی افراد کی حفاظت کے اوپر زور دیتی ہے، یعنی نہ کہ صرف ریاستوں کے اوپر، اس میں انسانی حقوق بھی ہیں، صحت بھی ہے اور اقتصادی استحکام اس کے اوپر بھی توجہ دی جاتی ہے. دین ہیومینٹیرین کرائسس ایشوز لائک ریفیوج فلو، پینڈیمکس اینڈ نیچرل ڈیزاسٹرز آر کریٹیکل اسپیکٹس آف ہیومن سیکیورٹی. دی ایم از ٹو انشور دیٹ انڈیویجولس کین لیو فری فرام فیئر اینڈ وانٹ. تو پناہ گزینوں کی روانگی ہیں، وبائی امراض ہیں، قدرتی آفات ہیں، انسانی سیکیورٹی کے بہت اہم پہلو اس کے اندر ہیں. مقصد یہ ہے کہ افراد خوف اور ضرورت سے آزاد زندگی گزار سکے. دین اکانومک سیکیورٹی، تو عالمی معیشت یعنی اقتصادی جو استحکام ہے وہ قومی سیکیورٹی کے لیے بہت اہم ہے. وہ مالی بحران، تجارتی جو عدم توازن ہے، فائنینشیل کرائسس ہے، ٹریڈ امبیلنسز ہے، اکانومک انیکوالٹی ہے، وہ نیشن سیکیورٹی کے اوپر بہت بری طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں. پھر ریسورسز کی کمی ہے، ریسورس سیکیورٹی ہے، توانائی اور پانی جیسے وسائل کے لیے یعنی کہ ان کا مقابلہ کرنا تنازعات کی وجہ بھی بن سکتا ہے، اور قومی جو بین الاقوامی اسٹیبلٹی ہے اس کو متاثر بھی کر سکتا ہے. اور نیکسٹ جو ہے وہ انوائرمنٹل سیکیورٹی ہے، یعنی کہ کلائمیٹ کے جو ماحولیاتی خطرات، اس کے اندر ماحولیاتی تبدیلیاں اس کے اندر ہیں، اور اہم سیکیورٹی تشویش بہت زیادہ کنسرن ہے اس کے بارے میں، سیکیورٹی کے بارے میں. اور اس کے علاوہ جو شدید موسمی حالات ہیں، وسائل کی کمی ہے، قومی اور عالمی سیکیورٹی کے حوالے سے خطرات ہیں. اور اس کے بعد جو پائیدار ترقی ہے اس کو یقینی بنانا، ماحولیاتی تباہی سے نمٹنا، ماحولیاتی سیکیورٹی کے اس کے بہت زیادہ کی اسپیکٹس ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں. دین ویکنیسز، اگر ہم دیکھیں یعنی کہ جو پیچیدگی ہیں یا وسائل کی تقسیم ہے، یعنی سیکیورٹی کی ایک بڑا جو تصور سے جو پالیسی سازی ہے یا وسائل کی تقسیم ہے اس میں کافی جو ہے کمپلیکسٹی پیدا ہو سکتی ہے. سو اس میں جو مختلف سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان کے درمیان ان کو ترجیح دینا مشکل ہو سکتا ہے. دین اوور لیپنگ تھریٹس ہیں، یعنی بہت سے جو جدید خطرات ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ انہیں الگ الگ جو ہے حل کرنے کو مشکل بناتے ہیں. یعنی کہ ایگزامپل کے طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں، ماحولیاتی تبدیلی اقتصاد جو انسان سیکیورٹی کے مسائل کو بڑھا سکتی ہے، اسی طرح جو خود مختاری کے مسائل ہیں، یعنی کہ کچھ کیسز کے اندر جو عالمی سیکیورٹی چیلنجز ہیں اسے نمٹنے کے لیے قومی خود مختاری یا پھر انٹرنیشنل جو اس کے اندر یعنی کہ جو ان کی انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو نگرانی ہوتی ہے اس کو قبول کرنا پڑ سکتا ہے، جو سیاسی طور پر حساس بھی ہو سکتی ہے. سو جو یعنی کہ کانسیپٹ ہے اس کا سیکیورٹی کا، یعنی کہ سرد جنگ کے بعد سیکیورٹی کا جو تصور ہے وہ روایتی جو فوجی مسائل ہیں ان سے آگے بڑھ کر مختلف مسائل کو جو ہے وہ اس کے اندر شامل کرتا ہے. تو اب یہ جو انسانی یعنی کہ سیکیورٹی ہے، اقتصادی استحکام ہے، یا جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، اس کو شامل کرتا ہے. یہ بڑی سطح کے اوپر جو قومی اور عالمی مفادات ہیں ان کی حفاظت کے لیے ایک طریقہ کار بھی فراہم کرتا ہے. تو سیکیورٹی کے جو وسیع یعنی کہ تصور ہے، اس سے جدید خطرہ سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے، بین الاقوامی تعاون کو فروغ ملتا ہے جس سے مزاحمت اور اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی اڈیپٹیبلٹی ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے. تو مختلف جو اس کے اندر
یعنی کہ کمپلیکسٹیز ہیں جو انتظامی بچیت کے ہیں, قومی خود مختاری اس کے اوپر کافی ممکن اثرات قوموں کے لیے چیلنجز پیش کرتے ہیں. تو مجموعی طور پر سیکیورٹی کے ترقی پذیر تصور نے عالمی خطرات کو جو ہے جو گلوبل تھریٹس ہیں عالمی خطرات ہیں ان کو ان کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے یعنی کہ چینجنگ نیچر ہے اور جدید دنیا میں استحکام اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ ایک ملٹی فیسٹ اپروچ کو نقطۂ نظر کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے. تو نیکسٹ ہمارا کوئسچن ہے, ڈسکس دا کانسیپٹ آف ہائبریڈ اینڈ سوشل میڈیا ایز اے مینز آف ماڈرن سائیکالوجی وارفیئر, ایکسپلین اٹس کریکٹرسٹکس اینڈ سجیسٹ میئرز ٹو پروموٹ نیشنل سیکیورٹی. تو ہائبریڈ اور سوشل میڈیا یعنی کہ جدید جو نفسیاتی جنگ ہے اس میں ہائبریڈ اینڈ سوشل میڈیا وارفیئر آر کنٹمپریری ٹیکٹکس یوز ان سائیکولوجیکل آپریشنز ٹو انفلوئنس اینڈ مینیپولیٹ پبلک اوپینین بیہیویئر. دیز اپروچز لیورج ماڈرن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن میتھڈز ٹو اچیو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز. تو جو ہائبریڈ اور سوشل میڈیا ہے وہ جنگ جدید نفسیاتی آپریشن کے ایسے طریقے ہیں جن کا مقصد جو ہے وہ عوامی رائے اور رویے کو متاثر اور کنٹرول کرنا ہوتا ہے. یہ جو طریقے ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی اور جو مواصلاتی وسائل ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ حکمت عملی کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے. سو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہائبریڈ وارفیئر ہے اس کو. تو ہائبریڈ جنگ جو ہے وہ روایتی جو یعنی کہ فوجی حکمت عملی ہیں, غیر روایتی طریقے ہیں, سائبر آپریشنز ہیں, یہ ان کا ایک لکھن ہوتا ہے. اور یہ روایتی غیر روایتی طریقوں کو ملا کر ایک کمپلیکس اور ایک اکثر جو ہے وہ ایک یعنی کہ مہم قسم کی خطرے کی صورتحال کو وہ پیدا کر دیتی ہے. اب مقاصد اس کے کیا ہوتے ہیں؟ اس کا مقصد جو ہے وہ حکمت عملی کے مقاصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے بغیر یعنی مکمل اس کے پیمانے کے. اور روایتی جنگ میں ملوث ہوئے اس میں سیاسی استحکام کو کمزور کیا جاتا ہے, اس کے اندر غلط انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ عوامی رائے کو متاثر کرنا اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے. اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں اس میں ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں, یعنی جو ہائبریڈ جنگ ہے وہ مختلف جو یعنی فیلڈز ہیں ان میں کام کرتی ہے, اس میں عمل کرتی ہے, جس میں فوجی, سائبر, اقتصادی اور معلومات. تو یہ اکثر روایتی جو افواج ہیں جو غیر روایتی طریقے ہیں ان کا ایک یعنی کہ کلیکشن ہوتا ہے. اور اس کے اثر اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ابہام بھی ہوتی ہیں, کچھ انکار بھی ہوتے ہیں, ان کے ہائبریڈ جو حکمت عملی ہیں ان کو ایک مبہم بنایا جاتا ہے, جس سے مجھے مخصوص یعنی کہ ایکٹرز ہیں اس کی کاروائیوں کا تعین کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح سے یہ جو ابہام ہے وہ یعنی کہ انکار کو برقرار رکھنے میں کے اندر رول پلے کرتا ہے. دین فوکس آن ملٹری ٹارگیٹس. تو ہائبریڈ جنگ جو ہے وہ اکثر سیاسی ادارے, میڈیا اور عوامی رائے جیسے خیر فوجی پہلو ہیں ان کو ہدف بناتی ہے. اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سوشل میڈیا وارفیئر ہے, یعنی سوشل میڈیا جنگ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے جو نفسیاتی آپریشنز ہیں اس طرح کے نفسیاتی آپریشن کیے جاتے ہیں, عوامی رائے کو متاثر کیا جاتا ہے, ایک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے. اور جدید جو ہائبریڈ جنگ ہے اس کا یہ ایک بڑا ایک کمپوننٹ ہے. اب ٹولز اینڈ پلیٹ فارمز سوشل میڈیا کے جنگ میں فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے اور اس طرح سے دیگر جو ہیں وہ پلیٹ فارمز ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ معلومات پھیلائی جا سکیں, بیانات ترتیب دیے جا سکیں اور جو آڈینس ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جا سکے. اس طرح سے اس کے اندر جو اس کی کریکٹرسٹکس ہیں اس میں ریپڈ انفارمیشن سپیڈ ہے, یعنی سوشل میڈیا تیز رفتاری سے معلومات کو پھیلاتا ہے جو سچی اور جھوٹی کہانیوں کو تیزی سے پھیلانے کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے. اور دین ٹارگیٹنگ میسیجز, یعنی سوشل میڈیا پلیٹ فارم صارفین کا ڈیٹا اور جو یعنی کہ الگوریتھم ہے اس کی بنیاد کے اوپر انتہائی ہدفی پیغام جو ہے وہ پہنچاتا ہے, اور جسے مخصوص جو آڈینس ہے یا گروپ ہیں ان کو تفصیل شدہ جو یعنی پروپیگنڈا ہے وہ فراہم کیا جا سکتا ہے. دین انگیجمنٹ اینڈ مینیپولیشن, یعنی سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ صارفین کو جو ہے انگیج کرنے کے لیے رائے میں, یعنی کہ مختلف رائے کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے, اور ایسے یعنی کہ اس میں جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو یہ جو چیمبرز ہیں وہ تخلیق کیے جاتے ہیں جس میں مخصوص نظریات ہیں ان کو بڑھاوا دیا جاتا ہے. دین ڈس انفارمیشن فیک نیوز, سوشل میڈیا اکثر جو غلط معلومات اور جعلی خبریں پھیلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو عوامی جو فہم ہے اس کو الجھا سکتی ہے, ان کو گمراہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو قومی سیکیورٹی کو فروغ دینے کے لیے کافی اقدامات کیے جائیں اور کیے جا سکتے ہیں, جس میں یعنی کہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو پروٹیکٹ کرنا شامل ہے, یعنی انفراسٹرکچر کو سائبر حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے سائبر سیکیورٹی کے جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں اور ان کے لیے سائبر سیکیورٹی کے اقدامات کو مضبوط کیا جائے. اس میں نیٹ ورکس ہیں, سسٹمز ہیں, ڈیٹا کا تحفظ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ اینڈ ریسپانس, یعنی
साइबर खतरात और हमले की निगरानी और रद्दअमल के लिए जो निज़ाम है वो नाफिज़ किया जाए। इसके साथ साथ जो इसके अंदर गलत मालूमात किए जाने के हवाले से मुहिम जाएँ या दीगर बाकी जो बदनीयती सरगर्मियाँ हैं उसका पता लगाया जाए और उनको कम किया जाए। देन मीडिया लिटरेसी को प्रमोट किया जाए, यानी एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए आवाम के दरमियान जो है वो मीडिया लिटरेसी को बेहतर बनाने के लिए तालीमी प्रोग्राम तैयार करें, उनको प्रमोट करें। तो ये जो यानी अफराद हैं वो मालूमात की तनकीद को तनकीदी सतह के ऊपर उसको जान सकते हैं, गलत मालूमात की शनाख्त करने में उनको मदद मिल सकती है। देन पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी गलत मालूमात के जो खतरात हैं वो काबिल एतमाद ज़राए से मालूमात की जो तस्दीक है उसकी अहमियत जो मैं आगे बढ़ाने में जो है वो मुहिम से चलाई जाए। देन इसके साथ साथ काउंटर डिस इंफॉर्मेशन एफर्ट्स की जाए, यानी कि फास्ट चेकिंग एंड वेरीफिकेशन, ऐसी जो तंजीमें हैं कि हम यानी कि इसके अंदर की हमायत की जाए और क्याम किया जाए, जो मालूमात की तस्दीक करें, झूठी कहानियों का मुकाबला करें, फिर उसके बाद जो कोलेबरेशन की जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ, यानी सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर जो है वो गलत मालूमात और जो नुकसानदेह मवाद होता है उसकी शनाख्त की जाए, उसका मुकाबला किया जाए और इसमें जाली अकाउंट को हटाया जाए, झूठी मालूमात के अंदर यानी कि उसको मॉडरेट किया जाए जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है। इस तरह से जो है वो अपने सिक्योरिटी के निज़ाम को जो डिजिटल सिक्योरिटी का निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। मुआशरे के अंदर प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता है उसको रोका जा सकता है, गलत इंफॉर्मेशन को आवाम के अंदर जाने से रोका जा सकता है। तो हाइब्रिड और सोशल मीडिया जंग जो है वो जदीद नफसियात ऑपरेशन के तरीके हैं जो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल हिकमत अमलियों को मिलाकर अवामी राय और रवैयों को मुतासर करते हैं। तो इस तरह से ये तरीके जो हैं वो इंफॉर्मेशन को तेज़ रफ्तारी से फैलाते हैं और तेज़ रफ्तारी से फैलाव का फ़ायदा उठाते हैं, फिर माशरे के अंदर यानी कि मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनको हदफ बनाते हैं। अब जो हाइब्रिड जंग है वो मुख्तलिफ फील्ड के अंदर कई तरीकों से की जाती है, मतलब कि सोशल मीडिया जंग जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके गलत मालूमात फैलाई जाती हैं, राय को मुतासर किया जाता है और इसमें जो सिक्योरिटी मैयस हैं यानी कि जो है वो कौमी सिक्योरिटी को फ़रोग देने के लिए मजबूत है, बस सिक्योरिटी की जाए और इसके अलावा जो मीडिया लिटरेसी है मुखालिफ जो मालूमात हैं इनकी कोशिशें की जाए, बिन अक्वामी तावन है और इसके साथ साथ जो मजहमत है, अडाप्टबिलिटी है, इस तरह के वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाए तो फिर गलत इन्फॉर्मेशन को फैलने से रोका जा सकता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रिटिकली डिस्कस द आइडिया ऑफ द डिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर द पुअर कंट्रीज, यानी बैन अक्वामी तालुकात में इनसार और बाहमी इनसार का तस्वर और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पुअर कंट्रीज के लिए हमने बताने हैं। तो जो डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस है ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बताते हैं कि जो ममालिक हैं वो इक्तसादी सियासी समाजी तौर पर किसी तरह दूसरे के ऊपर मुनहसर करते हैं, दूसरे के ऊपर इनसार करते हैं और ये तस्वरात जो है खासतौर पर अमीर और गरीब ममालिक के दरमियान जो कोऑपरेशन है उसको समझने के लिए काफ़ी अहम है। तो हम इनको इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं इनसार का। तो डिपेंडेंस जो है वो उस वक्त होता है जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर इक्तसादी सियासी और समाजी हमायत के लिए ज़्यादातर इनसार कर रहा होता है। इनसार ताकत और इन्फ्लुएंस में इनबैलेंस पैदा कर देता है, जो अक्सर इनसार करने वाले मुल्क होते हैं मुल्क को यानी कि गाले मुल्क की पॉलिसी इक्तसादी हालात में तब्दीलियों के लिए हसास बना दिया जाता है, यानी जो गरीब ममालिक होते हैं उनको फिर उनके जो अमीर ममालिक होते हैं उनकी पॉलिसी के ऊपर चलना पड़ता है, वो अपनी पॉलिसी को अपने ज़ात तरीके से नहीं चला सकते, अपने कल्चर्स को प्रमोट नहीं कर सकते, अपनी पॉलिसी को प्रमोट नहीं कर सकते, अपने यानी कि मुल्क के मामलों के अंदर जो अहम डिसीजन होते हैं वो नहीं ले सकते, उसके अंदर जिन ममालिक के ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं उन ममालिक की तरफ से उनके अंदर मदाखलत की जाती है। अब डिपेंडेंस की भी टाइप्स हैं, यानी खासतौर पर इकॉनमी लिहाज से इकॉनमी की वजह से कुछ ममालिक दूसरे ममालिक के ऊपर इनसार कर रहे होते हैं, यानी माल इमदाद के हवाले से, तजारत के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से वो इनसार कर रहे होते हैं। तो इसमें खाम माल भी आता है, कम कीमत वाली मसनूआत की बरामद भी है, इसके ऊपर भी इनसार होता है। देन पोलिटिकल डिपेंडेंस है, यानी जब मुल्क दूसरे मुल्क की सियासी हमायत जब बैन अक्वामी अमूर के अंदर मुदाखलत है इसके ऊपर इनसार करता है। फिर सोशल डिपेंडेंस है, यानी जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से सकाफती तालीमी या तकनीकी हमायत के ऊपर इनसार करता है। फिर अब कॉन्सेप्ट देखते हैं इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस जो है वो इस बात को जाहिर करता है कि ममालिक एक दूसरे के ऊपर जो यानी कि म्यूचुअल रिलायंस है वो इसके ऊपर इनसार करते हैं, यानी हर मुल्क तालुकात से फ़ायदा उठाता है और कुछ उसको अगले मुल्क को फराम भी करता है। तो ये इनसार के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा तालुकात को बेहतर बनाने की यानी कि एक
कॉन्सेप्ट है। अब इसके टाइप्स हम देखते हैं कि इंटरडिपेंडेंस क्या है। सबसे पहले इसमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आता है, यानी ममालिक जो है वो तिजारत और सरमाकारी में शामिल होते हैं, जो तमाम जो फरकें हैं उनके लिए फायदा मंद होते हैं, तो ये इकतसादी तरक्की और इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। देन पोलिटिकल इंडिपेंडेंस, यानी मुल्क बैन अक्वामी मसाइल जैसे सिक्योरिटी माहौलियाती यानी कि जो माहौलियाती तब्दीली है, मौलियाती मसाइल हैं, बैन अक्वामी मसाइल हैं और के साथ सिक्योरिटी और मौलियाती तब्दीली इंसानी हकूक है, इसके ऊपर जो मुशतरक मकासद हैं वो हासिल करने के लिए मिलकर काम करते हैं दूसरे के साथ। फिर सोशल इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि जो मुल्क जो है वो सकाफती तालीमी और तकनीकी तबादले के ऊपर तावन करते हैं दूसरे से के साथ, जो मोशन को फिर यानी कि उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी प्रमोट करता है और उसको इनरिच भी करता है। अब इसके यानी पुअर कंट्रीज के लिए अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर हम देखें तो जो यानी इंटरडिपेंडेंस है वो इकतसादी तरक्की का बस बंद है, क्योंकि गरीब ममालिक तजारत में शामिल हो जाते हैं फिर अमीर ममालिक से सरमाकारी हासिल करते हैं, इस तरह से वो तरक्की कर सकते हैं। सो इस तरह से उनके मुल्क के अंदर मुलाजमत के मौके पैदा हो जाते हैं और बुनियादी ढांचे को भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के अंदर मदद मिलती है। फिर एक्सेस टू रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो गरीब ममालिक हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक से टेक्नोलॉजी और इलम की मुंतकली से फ़ायदा उठाते हैं, ये रियासती पैदावार सलाहियत को बेहतर बनाती है, तरक्की को जो है वो सपोर्ट करती है, और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलती है जो बैन अक्वामी शराकत दारी उनमें शामिल होने से उनको यानी कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, यानी कि सियासी हमायत मिलती है, इस्तेहकाम मिलता है। गरीब ममालिक बैन अक्वामी फोरम के ऊपर हमायत हासिल कर सकते हैं, तावन पर मबनी सिक्योरिटी इंतजाम से फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर उसके बाद कल्चर एक्सचेंज के हवाले से फ़ायदा होता है इंटरडिपेंडेंस का, यानी कि उसमें जो है जो बाहमी इनसार है वो सकाफती तबादले को फ़रोग देता है, जो ममालिक के दरमियान अंडरस्टैंडिंग को कोऑपरेशन को बढ़ाता है, ये जो समाजी तरक्की है उसको बेहतर बना सकते हैं, माशरों को जो है वो यानी कि डेवलप कर सकते हैं, उनको इनरिच कर सकते हैं सोसाइटीज़ को। अब पुअर कंट्रीज़ के लिए डिपेंडेंस के डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि उन्हें इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो उन्हें बहुत दूसरे ममालिक के ऊपर इंसार करना पड़ता है, और अपने यानी कि गरीब ममालिक जो हैं वो आलमी मार्केट में जो भी चेंजेस आती हैं उतार चढ़ाव आता है तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, उनकी पॉलिसियों के अंदर उनको तब्दीली करनी पड़ती है, इक्तसादी लिहाज से वो अदम इस्तेहकाम यानी कि का शिकार रहते हैं, तो उनकी जो दूसरे ममालिक के ऊपर डिपेंडेंसी है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ उनको लेकर जाती है। इसके अलावा उनकी खुद मुख्तारी भी महदूद हो जाती है, जब वो दूसरे ममालिक के ऊपर इंसार कर रहे होते हैं तो उनकी पॉलिसियाँ मुतासर होते हैं, पॉलिसी फैसलों करने की सलाहियतों को महदूद किया जाता है। फिर इस तरह से जो डोनर कंट्रीज़ हैं या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी मुल्क की पॉलिसियों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर रखती हैं, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। फिर अनइक्वल बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि उनको यानी कि जो गरीब ममालिक होते हैं उनको कम फ़ायदे मिलते हैं, जो अमीर ममालिक होते हैं जिसके ऊपर इंसार कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा मिलते हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर खाम माल है वो बरामद कर सकते हैं, लेकिन आला कीमत वाले जो तैयारशुदा सामान है उसको वो दरामद करते हैं, तो इसके साथ साथ उनकी तरक्की के अंदर भी रुकावट आती है, ये भी बहुत बड़ा है। तो यानी कि डिसएडवांटेज है इंसार, कभी कभार जो है मुकामी संतों को बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सरमाकारी की कमी का बायस बनता है, जिससे एक बड़ी मुद्दत तक जो है वो खुद मुख्तारी में भी रुकावट आ सकती है। तो ये उनके यानी कि कॉन्सेप्ट था डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस का, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने डिस्कस किया। तो इनसार और बाम इनसार में इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस बैन अक्वामी ताल्लुकात को समझने में और उनके गरीब ममालिक के ऊपर असरात को जानने के लिए बड़े दो अहम कॉन्सेप्ट्स हैं, जहाँ डिपेंडेंस जो है वो कमजोरियों और लिमिटेशंस का बायस बनता है, जबकि जो इंडिपेंडेंस है वो तरक्की और तावन के मौके फराहम करता है। तो इस तरह से जो यानी कि इंटरडिपेंडेंस है वो ताल्लुकात को बेहतर बनाता है, मुतवाजन करता है, जहाँ फायदे इक्तसादी लिहाज से भी और समाजी तरक्की को भी फ़ायदा मिलता है, इक्तसादी लिहाज से भी यानी कि ममालिक को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT, डिफाइन इट्स मेन फीचर्स एंड एक्सप्लेन इट्स स्टेटस इन प्रेजेंट वर्ल्ड। तो इसके जो जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे हैं NPT की तरक्की खसूसियात हैं मौजूदा सूरत हाल है। तो जोहरी अदम फैलाव का मुआहदा है उसको कहते हैं NPT, तो एक अहम बैन अक्वामी मुआहदा है जिसका मकसद जोहरी हथियारों को का जो फैलाव है खित्ते के अंदर दुनिया के अंदर उसको रोकना है, जोहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल को प्रमोट करना है। तो ये मुआहदा जो है वो आलमी बरादरी की तरफ से जोहरी हथियारों से मुतल्लिक खतरात को मुनज़्ज़म करता है और उसको कम करने की एक अहम कोशिश को भी जाहिर करता है।
तो इसमें हम एनपीटी की तरक्की देखते हैं, इसकी डेवलपमेंट देखते हैं, जिसमें पोस्ट वर्ल्ड वार टू एरा के दौरान जेने तुदे जो इसका पसे मंजर है और दूसरी जंग अजीम के बाद जोरी हथियारों के इस्तेमाल और उनकी तबाहकुन ताकत ने हथियारों के फैलाव के बारे में आलमी सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश पैदा की, बहुत ज़्यादा इन हथियारों के हवाले से कंसर्न पैदा हुआ। सो इस तरह से जो सर्द जंग है उसने जोरी फैलाव को मुमकिन जोरी तसादम के खदशात को मजीद बढ़ाया। फिर नेगोशिएशन एंड अडॉप्टेशन यानी माहदे की मुज़ाकरात और मंजूरी 1960 की दहाई के दौरान जो है वो जोरी हथियार जो रखते रखने वाले और जो गैर जोरी रियासतें थी उनके दरमियान कशीदगी बढ़ी और कशीदगी के दौरान एनपीटी के ऊपर मुज़ाकरात हुए थे। तो ये माहदा जो है वो 1 जुलाई 1968 को दस्तखत के लिए खोला गया था और 5 मार्च 1970 को ये जो है वो नाफिज हो गया था। देन पर्पस एंड गोल, अब इसका मकसद क्या था इसके तो और इसके हदाक क्या थे इस माहदे के। तो एनपीटी का बुनियादी मकसद यह है कि जोरी हथियारों और जोरी हथियारों की टेक्नोलॉजी को उन ममालिक तक पहुंचने से रोका जाए जो पहले ही इन हथियारों के मालिक नहीं है। देन प्रमोट डिसमेंट मुहिदा जोरी यानी कि खुलासी के हसूल और तस्लीम शुदा जो जोरी ताकतवर रियासतें हैं उनके जोरी जो जखायर हैं उनमें कमी को कि जो है वो हौसला अफजाई करता है और इस तरह से इसके अलावा जो इसके अंदर और यानी पुरमन इस्तेमाल की हौसला अफजाई की गई। इस माहदे में एनपीटी जोरी दबाने के पुरमन इस्तेमाल की सपोर्ट करता है और इस फील्ड के अंदर बैन अक्वामी कोऑपरेशन को सहूलियात देता है। बेनिफिशियल यानी कि इसके पर्पसेज हैं। अब मेन फीचर्स क्या हैं इस एनपीटी के माहदे के, तो इसमें नॉन प्रोलिफरेशन है यानी जो सिग्नेचर यानी कि एग्रीमेंट है दस्तखत कुनंदगान है उस बात पर जो जिन्होंने दस्तखत किए इस माहदे में तो वो ये कहते हैं इस बात के ऊपर वो मुत्तफिक हैं कि जोरी हथियार हासिल या तरक्की नहीं करेंगे बल्कि अगर जोरी हथियार रखने वाली जो रियासतें हैं वो जोरी हथियारों का पीछा करने के ऊपर रजामंद है जबकि जो जोरी यानी कि हथियार हैं रखने वाली रियासतें हैं वो दूसरे ममालिक को जोरी हथियार मुंतकिल ना करने के ऊपर मुत्तफिक हूँ। तो उसके बाद मुआहदा जोरी हथियार रखने वाली रियासतों को जोरी जो खुलासी की तरफ नेक नियत से मुज़ाकरात करने की जिम्मेदारी करता है। हालांकि जो एनपीटी है उसमें मखसूस खुलासी तारीखें नहीं दी गई, ये जारी जखायर के जो जोरी जखायर हैं उनकी तारीखी तजरी की कमी की हौसला अफजाई करता है। देन पीसफुल यूजेस, तो एनपीटी तमाम फरीकों को जोरी तवाने को पुरमन मकासद के लिए तरक्की देने का जो है वो हक तस्लीम करता है और मकासद के लिए तरक्की देने का हक तस्लीम करता है जिसमें अक़वामी फ़ाज़ी तदाबीर के तहत जिसमें जोरी तहकीक है टेक्नोलॉजी है और इसके साथ साथ तजारत के अंदर तमाम शामिल है। फिर अगर इसमें हिफाजती तदाबीर के हवाले से अगर हम बात करते हैं यानी जिसके अंदर बैन अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी है IAEA की जिम्मेदारी है कि वह हिफाजती तदाबीर और जो मायने हैं उनके जरिए जो है वो तामील की निगरानी करे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके के जोहरी दमने के हथियारों को तरक्की के लिए जो है तब्दील नहीं किया जा सकता। फिर हम इसका देखेंगे यानी कि रिव्यू कॉन्फ्रेंसेस एंड एक्सटेंशन यानी जो जायजा कॉन्फ्रेंसेस हैं जिन एनपीटी में हर 5 साल बाद जायजा कॉन्फ्रेंस के इनका की जो है वो इसके अंदर दफात शामिल हैं और इसमें जो है ताकि माहदे के अमल दरामद का जायजा लिया जा सके कि इस माहदे के ऊपर कितना अमल दरामद हुआ और क्या मसाइल हैं क्या चैलेंजेस हैं और उनको हल किया जा सके। इसके अलावा जो है माहदे को 1995 में जो है वो तौसीह दी गई थी जिसका मकसद एनपीटी के किरदार को और तवील मुद्दती अज़म को जो है वो स्टेबल करना था मुस्तहकम करना था मीन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को स्टेबल करने के लिए जो है इस एनपीटी के किरदार को यानी कि बढ़ाया गया और उसको बड़ी सतह तक इसको इसके अंदर तब्दीली की गई। अब इस माहदे को काफ़ी हद तक चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा और तनकीद का भी सामना करना पड़ा। तो तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि जोरी हथियार रखने वाली रियासतों ने एनपीटी के तहत खुलासी की तरफ काफ़ी जो है वो पेशरफ नहीं की और कुछ लोगों का कहना है कि जोरी ज़खायर अब भी काबिल ज़िक्र हैं जदीद हैं और बाकी जो यानी कि वो ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने दस्तखत नहीं किए इस माहदे के ऊपर तो तमाम ममालिक एनपीटी के रुकन नहीं है, खासतौर पर भारत है पाकिस्तान है और इसराइल है। इस तरह के मालिक ने एनपीटी के फ्रेमवर्क से जो है बाहर जोरी हथियार तैयार किए हैं जो आलमी अदम फैलाव की कोशिश के लिए चैलेंजेस पेश करते हैं। देन इन्फोर्समेंट इश्यूज हैं इसके हवाले से अमल दरामद के ऊपर काफ़ी इसके हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। माहदे की तामील को यकीनी बनाना इसकी खिलाफवर्जियों को मौसर तरीके से जवाब देना एक चैलेंज हो सकता है और IAEA की हिफाजती तदाबीर निगरानी की कोशिशें बाज़ इलाकों में जो है वो लिमिटेड हैं तो उनको वो लिमिटेशन का सामना करना पड़ता है। तो जोरी अदम जो फैलाव है उसका माहदा यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है एनपीटी उसकी सतह के ऊपर जो जोरी हथियार है उनके फैलाव को रोकना उनकी जो है वो खलासी को
जो है वो यानी कि स्प्रेड करना, उसको प्रमोट करना, जो रीत मैंने कि परमाणु इस्तेमाल की हिमायत करना, इसकी कोशिशों की बुनियाद रहा है। और एनपीटी साध जंग के दौर की जो इसके हवाले से कॉन्सर्न्स हैं, तो उसके यानी कि कॉन्सर्न्स के हवाले से ये एक बड़ा मुआहदा हुआ, और मौजूदा जो और बढ़ते हुए चैलेंजेस हैं इनसे निपटने के लिए जो है वो इसके अंदर काफ़ी यानी कि तरक्की हुई, तरक्की पजीर हुआ। सो लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस पेपर में कि पाकिस्तान इज गोइंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF फॉर इट्स बेल आउट पैकेजेस टू रिजॉल्व इट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थ्रू प्रूडेंट मैनेजमेंट। डिस्कस पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट प्रॉब्लम्स एंड डोमेस्टिक लायबिलिटीज टू स्टेबलाइज कंट्री इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। तो पाकिस्तान की इक्तसादी मुश्किलात और आलमी मालियाती फंड से जो बेल आउट पैकेज है इसकी हासिल करने की कोशिश की रोशनी में हम देखेंगे कि पाकिस्तान को जो खारजी कर्जे हैं, दाखिली वाजिबात हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना है। इन मसाइल को हल करने, इक्तसादी एजुकेशन सूरत हाल को कम करने के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। और इसमें जो है पाकिस्तान के जो इक्तसादी चैलेंजेस है, अगर हम उनका जायजा लें तो सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान को काफ़ी यानी कि खारजी कर्जे के मसाइल में बहुत ज़्यादा यानी कि तो मसाइल आ रहे हैं इस हवाले से कि जो एक्सटर्नल कर्जे हैं उनसे मराज वो रकम होती है जो पाकिस्तान गैर मुल्की कर्ज के जो दहिंदगान हैं या इसके अंदर हुकूमतें हैं, बैन अक्वामी मालियाती इदारे हैं और निजी कर्जे कौमी कर्ज देने वाले यानी कि इदारे हैं, उनके उनको वाजिब अदा होता है, उनको वापस करना पड़ता है, उनको अदा करना पड़ता है। और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो इसके हवाले से काफ़ी मसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से कर्ज के जो GDP है के तनासब में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है इसकी वजह से सूरत हाल के नतीजे में हुकूमत को बजट का एक बड़ा हिस्सा कर्ज की अदायगियों के ऊपर देना पड़ता है। देन डोमेस्टिक लाइबिलिटीज़ है यानी कि जो दाखिली वाजिबात हैं उससे मुराद ये है कि वो माली जिम्मेदारी है जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बैंकों और दीगर मकामी इदारों के साथ होती है। फिर इस हवाले से अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो जो डोमेस्टिक लाइबिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो बजट में यानी कि इम्बेलेंस का की वजह बनती हैं। हुकूमत अक्सर बैंकों से कर्जे लेती है जिसके नतीजे में सूद की जो यानी कि शरह है वो काफ़ी यानी कि जो रेट्स हैं वो बड़ी बढ़ जाती हैं। फिर जो प्राइवेट सरमायाकारी है वो मुतासर होती है। फिर इसके हवाले से जो की इशूज़ हैं यानी बैरूनी कर्जों के हवाले से, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दबाव का सामना है अदायगियों के हवाले से। पाकिस्तान के जो यानी कि बैरूनी कर्जे हैं उनके ऊपर ज़्यादा सूद की जो रेट्स हैं, सूद की जो शरह है उसके साथ मुल्क को अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा कर्ज की अदायगियों के ऊपर खर्च करना पड़ता है। और फिर जिससे क्या होता है कि तरक्की और समाजी जो खिदमात हैं, सर्विसेज हैं, उनके लिए दस्तियाब फंड्स जो आते हैं वो कम हो जाते हैं, जो अवेलेबल फंड्स होते हैं वो कम हो जाते हैं वो। और इसके बाद यानी कि जो करेंसी के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं यानी कर्ज की अदायगी अक्सर गैर मुल्की करेंसियों में होती हैं, अगर मकामी करेंसी की कदर जो है वो गैर मुल्की करेंसी के मुकाबले में कम हो जाती है तो अदायगियों के अखराजात में भी इजाफा हो सकता है। देन डिपेंडेंस ऑन IMF एंड फॉरेन एड। पाकिस्तान फिर IMF के ऊपर इनसार करता है, गैर मुल्की इमदाद के ऊपर इनसार करता है। तो पाकिस्तान अक्सर जो एक्सटर्नल यानी कि उसके एक डेट है उनके हवाले से, उनके इंतजाम के हवाले से IMF की बेल आउट पैकेजेस के ऊपर इंसार करते हैं। ये पैकेजेस बड़ी शरायत के साथ आते हैं, बड़ी सख्त शरायत होती है, मालियात असलाहत हों या कफायत चाहे उसके इकदाम इसके अंदर शामिल होते हैं जिसके ऊपर अमल दरामद का पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, IMF की इमदाद के साथ जो आने वाली शरायत हैं वो अक्सर अहम इक्तसादी असलाहत की ज़रूरत लाती हैं, सो जो कि जिनके ऊपर जो अमल दरामद है वो सियासी और समाजी तौर पर जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि IMF जब कर्ज देता है या बाकी इदारे देते हैं तो वो अपनी कड़ी शरायत के साथ देते हैं। पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी पाकिस्तान को इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ज़्यादा कर्ज जो GDP का तनासब है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो मुल्क कर्ज की अदायगी में मुश्किल का शिकार हो सकता है, जिससे इक्तसादी तरक्की में फिर रुकावट भी आ सकती है। इसके अलावा जो कर्जों की जंजीर है यानी कर्ज के साथ मौजूदा कर्ज की अदायगी के लिए जो मजीद कर्जों का हसूल है वो बाकी बड़ा खतरा होता है, और जिससे कर्ज की मकदार में मजीद इजाफा भी होता है और एक खतरनाक सिलसिला भी हो सकता है एक मुल्क के लिए। तो पाकिस्तान जो है वो उसको काफ़ी इकदाम करने की ज़रूरत है अपने इकतसादी गैर यकीनी सूरत हाल को कम करने के लिए, यानी कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट उसकी उसको करनी चाहिए। और इसके हवाले से यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की है, इकतसादी तरक्की है, इसको बढ़ा सकती है। फिर क्योंकि इससे पैदावारी सलाहत में बेहतरी आएगी, मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगी, तवनाई होगी, टेक्नोलॉजी होगी, इसके अंदर सरमायाकारी ज़रूरी है। फिर
प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया यानी किया जाए, यानी जो निजी शोबे हैं उनके सरमायाकारी को प्रमोट किया जाए, उनके लिए साजगार पॉलिसियां बनाई जाए, उनके लिए ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें काम की जाए, जो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से उनको सामना करना पड़ता है, और इस तरह से जो यानी कि जो दाखिली कर्जे हैं उसके ऊपर इनसार को कम किया जा सकता है। फिर मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज हैं यानी कि स्टेबलाइज करना जरूरी है करेंसी के इस्तेकाम को, करेंसी का इस्तेकाम यानी कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, करेंसी को स्टेबलाइज करना जरूरी है, मकामी करेंसी को मुस्तहकम करने के लिए पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए, और गैर मुल्की करेंसी में कर्ज की अदायगी के जो अखराजात हैं उनको कम करने में काफ़ी ये मददगार साबित हो सकता है। तो सो दिस मे इंक्लूड मैनेजिंग इन्फ्लेशन मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि इसमें महंगाई का कंट्रोल और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को बरकरार रखना शामिल होता है, और मॉनेटरी पॉलिसियाँ इसके हवाले से जो है यानी महंगाई और सूद की जो शरह है उसको कंट्रोल करने के लिए मुहतात मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए एक मुस्तहकम इक्तसादी माहौल दिया जा सकता है जो तरक्की और सरमाए के लिए साजगार हो। सो इस तरह से जो पाकिस्तान है वो अपनी गैर यकीनी इक्तसादी गैर यकीनी सूरत हाल से निमट सकता है, बैरूनी कर्जे हों या दाखिली तौर पर जो पाकिस्तान ने वाजिबात देने हैं कर्जे देने हैं मुख्तलिफ इदारों को मुख्तलिफ बैंकों को दोनों के मसाइल से यानी कि पाकिस्तान मुतासर है, तो इस तरह से पाकिस्तान जो है वो मुल्की कर्जियों की अदायगियों के अखराजात हों, गैर मुल्की अमदादियों पर इनसार हो या कर्ज की बदारी के मसाइल हों, इन तमाम चैलेंजेस से पाकिस्तान इनका सामना कर रहा है। मुअसर कर्ज के जो इंतजाम हैं और इसके हवाले से जो इसकी रिस्ट्रक्चरिंग यानी कि जो कंस्ट्रक्टिंग है वो बहुत ज़रूरी है, और डोमेस्टिक लाइबिलिटीज हैं यानी जो बजट खसारा है या निजी सरमाकारी है उसको मुतासर करने वाले जो मसाइल इकतदी अदम इसकाम का बायस बनते हैं, मालियाती असलाहत और इकतदी तरक्की के लिए हमत अमलों की हमत अमलियाँ बनाने की ज़रूरत है। तो फिर इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तो जामे एक कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जिसमें कर्ज का मौसर इंतजाम किया जाए, माली और इकतदी असलाहत ज़रूरी हैं, पायदार तरक्की के लिए हिकमत अमलियाँ बनाई जाए, और इकदाम के जरिए पाकिस्तान जो है अपनी मईशत को मुस्तहकम कर सकता है, गैर यकीनी सूरत हाल को कम करने के लिए पाकिस्तान कोशिशें कर सकता है।